Hi Aquarius Aquarius? Aquarius. and welcome to Floral Tarot Reader. How you you guys are doing Aquarius? Thank you so much. Just my channel subscribe here. It really means a lot आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो मेरा व्हाट्सएप लिंक एन नंबर है क्लिक करो हाई भेजो और अपनी एट वेरी मिनिम फीस जी हाँ मे मंथ की जनरल प्रोडिक्शन ऑलरेडी बना चुकी हूँ जरूर चेक करिए आपका मे मंथ में क्या क्या चीजें फोल्ड होते हुए दिख रही है आपकी पर्सनल प्रोफेशनल फैमिली लाइफ में ओके लेट्स गेट स्टार्टेड एक पर्सन को अपने माइंड में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए ये है लव लाइफ रीडिंग ओके लेट्स गेट स्टार्टेड एंजल्स And ancestors, love life for Aquarius in the month of May 2024. Let's cut the deck. Current energies of your person is uh, speculation, intention of your person is friendship, future action of your person is uh, endurance, your energy is authority. एंड फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज एंटरप्राइज ओके वेरी नाइस बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं इज हेल्थ मुझे ये दिख रहा है स्ट्रॉन्ग आप दोनों शायद एक ही ऑफिस में काम कर सकते हो ओके इट कैन बी द केस जोडिया साइन बता देती हूँ स्ट्रोंग कैंसर स्कॉर्पियो एरीज एंड एंड केप्रिकॉन या दिस इज केप्रिकॉन नोस वॉट केप्रिकॉन लियो लियो हम्म hmm. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोर साइन का है आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो ओके okay. मुझे पता हूं क्या दिख रहा है आपका जो ये पर्सन है ना आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा है बहुत ज्यादा आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा है सॉरी दिस इज केप्रिकॉन दिस इज केप्रिकॉन सो यू कैन बी डीलिंग विद्रिकॉन एक एक चीज इन्फॉर्मेशन निकलवा भी मैंने बोल दी तो मेरे हिसाब से आप दोनों शायद मैरिज प्रोस्पेक्ट से मिले हो गए जिसमें आपका कुंडली मैचिंग भी हो रहा है एंड आप लोग की कुंडली मैच हो रही है आप लोग काफी कम्पैटेबल लोग हो यू बोथ आर वेरी कंपेटेबल

आपके ऊपर इंटरेस्टेड तो है मतलब ये चाहते हैं कि हाँ कैंसर के साथ एक अच्छा फ्यूचर डेवलप किया जा सकता है लाइक आई सेड इट कैन बी एन अरेंज मैरिज प्रोस्पेक्ट एज वेल या ये आपके बॉस आपके इम्प्लॉ आप साथ में काम कर सकते हो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ना ये आपको राइट नाउ इन देर करेंट एनर्जी दे वॉन्ट टू नो यू मोर या आपको एज अ पर्सन जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके के पर्सन हो आपके पसंद क्या है आपको क्या चीज पसंद है क्या चीज ना पसंद है दे वॉन्ट टू डेट यू दे वॉन्ट टू दे वॉन्ट टू गो आउट ऑन कॉफी डेट्स विद यू दे वॉन्ट टू नो यू मोर ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन डेफिनेटली अगर आप बोल रहे हो क्या ये अभी मुझे कमिटमेंट देंगे द द आंसर इज नो बट डेफिनेटली दे आर इंटरेस्टेड इन यू दैट्स एनर्जी आपकी कुंडली निकलवा रहे हैं या आपके बारे में एक एक चीजें पता करवा रहे हैं या आपका सोशल मीडिया बहुत स्टॉक कर रहे हैं अगर आप लोग इंप्लॉइज हो एक ही सेक्टर में काम करते हो या कॉलेज में एक साथ हो तो दूसरों से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं कि आप किस तरीके के पर्सन हो एक वे स्ट्रॉन्गली दिख रहा है ये मुझे टिंगशन पार्ट दिसर्जीफुल आपसे दोस्ती करना चाहते हैं या आपको और जानना चाहते हैं पर्सन एक चीज बताओ ये पर्सन ऐसा पर्सन नहीं है कि आपको झूठे वादे करके फिर धोखा देके फिर चला जाए नो दे आर लाइक की पहले हम जान ले एक दूसरे को फ्रेंडशिप दिस इज अ प्योर फ्रेंडशिप कनेक्शन ऐसा नहीं है कि आपके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं फिर छोड़ देना चाहती है नो 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 नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल एंड इनका इंटेंशन यही है दे वॉन्ट टू नो यू एज अ फ्रेंड फर्स्ट फ्रेंड जोन की बात नहीं कर रहे हैं एक्वेरियस दे वांट टू नो यू एज फ्रेंड्स इंटेंशन क्लियर कट यही है ये आपके साथ घूमना चाहते हैं फिरना चाहते हैं दे वांट टू वॉच मूवीज विथ यू पता नहीं मुझे एकदम से एनर्जी आ रही है बट हाँ इंटेंशन इनका अभी दोस्ती करने का है और कुछ नहीं है एक्वेरियस ओके टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर एक्शन पार्ट मेरे हिसाब से अगस्त तक आप लोग के बीच में जो फिजिकल uh, क्लोजनेस है ना वो बढ़ते हुए दिख रही है आने वाले टाइम पे आप लोगों के बीच में फिजिकल इंटिमेसी डेफिनेटली बढ़ते हुए दिख रही है बट विथ टाइम आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ते हुए दिख रहा है एंड इनका जो फ्यूचर एक्शन है विच इज सन एंड स्कॉर्पियो दे विल गिव यू कमिटमेंट

इस एनर्जी में मुझे काफी क्लियर कट ये एनर्जी दिख रही है ओके लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी योर एनर्जी इज अथॉरिटी विच इज मार्स इन दिस इज मार्स इन खेप्रिकॉन हम्म कहीं ना कहीं मुझे यही दिख रहा है यू और, यू ऑल आर वेरी मच टू तो दिस पर्सन आपको इनका जॉब या जो इनका करियर है वो इन्हें आपको बहुत ज्यादा पसंद है आपको लगता है ये कैसा पर्सन है जो मेरी केयर कर सकता है लॉन्ग टर्म के लिए अगर इफ यूर अमेन वॉचिंग दिस वीडियो

आपकी एनर्जी अच्छी है मैं भी यही बोलूंगी आप भी कोई प्यार व्यार में नहीं हो एक्वेरियस यू आर नॉट इन लव विद दिस पर्सन यू वांट टू नो दिस पर्सन यू वांट टू टॉक टू दिस पर्सन और कहीं ना कहीं आई एम हैप्पी विद यू एक्वेरियस कि आप डेस्परेट नहीं हो कभी कब होता है ना जब आप सामने वाले को पसंद करते हो तो आप बहुत एफर्ट्स करते हो बहुत बात करते हो बहुत ज्यादा योर योर एनर्जीज आर इन अ वेरी कंट्रोल्ड मैनर आप बहुत कंट्रोल्ड वे में रहते हो बात करते हो नॉर्मल बात करते हो अच्छे से बात करते हो ये नहीं कि आप हंड्रेड एफर्ट्स पे एफर्ट नो no. आप कंट्रोल एनर्जी में हो हो कहीं कहीं ना कही एक मुझे यही दिख रहा है कि आप आप अपने अगर स्टूडेंट्स आप, uh, तो आपको आपकी अभी प्रायोरिटी अपनी एजुकेशन है और मुझे दिख रहा है जो लोग जॉब करते हैं तो आपकी अभी प्रायोरिटी आपका करियर है लव लाइफ मेरे हिसाब से उतनी प्रायोरिटी पे नहीं है बट यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन एंड यू वॉन्ट टू नो दिस पर्सन मोर आप दोनों की एनर्जी काफी अच्छी है और ये काफी काफी पॉजिटिव एनर्जी रीडिंग हो रही है फ्यूचर एक्शन सी यू गाइज़ आर मेंटो बी टुगेदर जुपिटर एंड एरीज आप लोग एक साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आओगे आफ्टर वन मंथ फ्रॉम नाउ व्हाट आई एम सीइंग एक महीने के बाद आप दोनों के बीच में वो जो रोमांस होता है ना जो क्यूट क्यूट रोमांस प्यार वो 1 महीने के बाद ब्लॉसम होते हुए दिख रहा है डेवलप होते हुए दिख रहा है धीरे धीरे डेवलप होते हुए दिख रहा है एक महीने के बाद एंड आई एम टेलिंग यू बाय द मंथ ऑफ ऑगस्ट आप लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में आओगे फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन मुझे यही दिख रहा है कि आप दोनों आप दोनों को ना ये ऑकल्ड साइंसेज में टैरो कार्ड रीडिंग एस्ट्रोलॉजी साइन ये सब न्यूमरोलॉजी इन सब में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड आप दोनों को और मुझे यही मैं बस एक चीज बोलूंगी कभी कभार क्या होता है ना मुझे एक ना एकदम से एक एनर्जी आ रही है एक्वेरियस uh, की कभी कभार क्या होता है कि लोग कुंडली मिलान एस्ट्रोलॉजी कार्ड रीडिंग को ना बहुत ज्यादा सीरियसली एकदम लेने, लेने लगते हैं आई टेल यू माई आई टेल यू फ्यू एग्जाम्पल्स मेरे क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं आ, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही हाँ मुझे रीजन पता है उसका राहु एस एस में है उसका सैटन एस एस में है इट्स फाइन यू नो दैट बट दैट डज नॉट मीन कि हावी हो जाओ ये सब जो चीजें होती हैं कुंडली एस्ट्रोलॉजी ये गाइडेंस टूल होती हैं ये सबको एक हद तक एक तरीके तक ही आ, अपना गाइडेंस लाइफ में लेनी चाहिए मैं एज अ टैरो कार्ड रीडर ये बोल रही हूँ मैं भी टैरो कार्ड रीडर हूँ बट दैट डज नॉट मीन कि मैं कि मेरा कोई कोई बंदा है जो मुझसे बात नहीं कर रहा है एक साल से मैं उसकी एनर्जी देखती रहू और उम्मीदें पालू या उसका मैं कुंडली खोल के चीजें देखू टेक इट डू एस्ट्रोलॉजी कुंडली मिलान सब कुछ करो बट दैट नॉट मीन एकदम ही अंधे हो जाओ एकदम ही उसमें डूब जाओ क्योंकि ये एनर्जी दिख रही है आपकी और आप, ये आपकी और पर्सन की अंधविश्वास नहीं करना चाहिए एक चीज जो कि टैरो कार्ड रीडिंग एस्ट्रोलॉजी न्यूरोलॉजी है उसको एज अ गाइडेंस टूल एक मैप की तरह देखना चाहिए और एक और चीज मुझे ये दिख रही है कि कुछ ना कुछ मुझे ऐसे दिख रहा है आपकी कुंडली में इनकी कुंडली में Uh, कुछ डिफॉल्ट हैं कुछ नेगेटिविटी है जो कि सबकी कुंडली में होता है किसी की भी कुंडली किसी के भी प्लानिटरी पोजिशन परफेक्ट नहीं होते तो कुछ नेगेटिविटी ऐसी दिख रही है जिस वजह से आप इफेक्ट हो सकते हो आप उसके बारे में सोचने लग लग सकते हो सो डोंट डो दैट टेक ओनली पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम दैट एस्ट्रोलॉजी थिंग फ्रॉम दैट कुंडली फ्रॉम दैट फ्रॉम दैट वेदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बाकी चीज़ों को इग्नोर करो एंड गो विद द फ्लो लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में क्या रहा है उस पर ध्यान दो मेरी कुंडली में तो पता नहीं क्या क्या लिखा था और मेरी लाइफ अभी क्या है सो so, देखो मैप को उसको एज अ मैप लो बट उसमें एकदम डूब मत जाना कि कि उसकी कुंडली में तो ये लिखा है कि ये बुरा होगा तो नहीं 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 मैं तो डर गया हूँ नहीं 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 नो प्रैक्टिकल होके लाइफ में एक दूसरे के साथ साथ दो एक दूसरे को जानो क्योंकि डेफिनेटली आप लोग का जो कनेक्शन है वो बहुत ही डिवाइनली गाइडेड है to मुझे आप की शादी भी एक साथ में सो दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग एक्वेरियस एंड बाकी कोई भी इशू हो आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्योर रीडर वन मोर थिंग इज दैट टो जो होता है ना वो डायरेक्ट बताता है टैरो एक एक चीज ना डिटेल माइन्यूट वे में बताता है जितना एस्ट्रोलॉजी भी नहीं बता सकता <laughs> ये भी चीज है एंड बाय बाय टेक केयर गॉड ब्लेस यू बाय